मस्जिद बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं था। मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? सब हमारी मस्जिद गिराना चाहते हैं। इस मुल्क ने यह साबित कर दिया है कि वो हम कम तादादी, हम छोटी जमात के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमने ना कभी आक्रमण किया, ना ही अतिक्रमण किया, ना किसी की धरती छीनी, ना किसी की सभ्यता का संहार किया। हमारा धर्म सनातन है। हमने किसी की जमीन नहीं ली, खुद की जमीन बचा भी तो नहीं पाए। हमने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, खुद को गुलाम बनने से रोक भी तो नहीं पाए। जब मंदिर तोड़ा गया था तो हिंदू किसी घटना दुर्घटना पर मौन दो मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं। राम मंदिर हमारे लिए एक सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं कि वो श्री राम की जन्मभूमि। अगर हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई तो अंजाम बहुत ही खौफनाक होगा। हम कोई जुगाली करने वाले जानवर नहीं है जिसे आप कलमा पढ़कर काट देंगे। जय जय राम सीता राम। अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए हिंदू दर दर की ठोकर खा रहे हैं। भारत सिर्फ कुछ हिंदुओं का नहीं, संपूर्ण भारत हिंदू का। जय श्री राम। कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। पांव पटकने से पायल नहीं टूटती, तांडव करना पड़ता है। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने वाला कोई नहीं था, सवाय उनकी अपनी आस्था। राम जी राम। जय राम। 6, 9 और 5 ये तारीखों के अंक श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए पवित्र अंक बन गए। इस लक्ष्य को इसी जीवन में अर्जित करूंगा। जिस दिन मंदिर बनेगा तभी उस मंदिर में पूजन के लिए जाऊंगा।